पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गिरफ्त में आए 5 अपराधी। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। बक्सर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पीसी कॉलेज के समीप से गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से हथियार और शराब बरामद हुआ है। बक्सर एसपी शुभम आर्या ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। बक्सर जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना में कल दिनांक 18 सितंबर में रात में हमें सूचना मिली थी कि पीसी कॉलेज बक्सर के समीप बुढ़नी देवी के जो घर है वहां पर कुछ लोग हैं वो शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसके उपरांत में हमने सत्यापन की एक और छापामारी के लिए एसडीपीओ बक्सर श्री धीरज कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया। जब छापामारी टीम वहां पर पहुंची तो कुछ लोग जो थे लगभग कुल पांच लोग जो थे एक टोटल वो छापामारी टीम को देखकर भाग खड़े हुए। इनको बड़ी मशक्कत के साथ में पकड़ा गया और उसमें जो 5 लोग पकड़ गए जो हम लोगों ने हिरासत में लिए इनके पास में से एक कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। इसके अलावा 1.83 लीटर जो है वो विदेशी शराब थी वो भी बरामद हुई। हमने जब इनसे और पूछताछ की छानबीन किया तो इनका जो मंशा था वो हमने और ये स्पष्ट किया जिसमें कि ये चीज सामने आई कि इनका जो हथियार रखने का कारण था वो किसी की हत्या करना और उसकी साजिश रचने के लिए था। और अभी हम लोगों ने और दूसरे छानबीन किया है वो किसी गवाह के हत्या करने के बारे में उन्होंने साजिश रची और आगे भी इसमें छानबीन जारी। जैसे कि मैंने पहले ही इस बारे में अभी पॉइंट एड्रेस किया कि हत्या करने का इनका प्लान था और जो बेसिकली एक गवाह की हत्या के लिए उन्होंने सुपारी लिया था तो उसके लिए ये एकत्रित थी। अपराधी के इतिहास में इनका सभी का खंगड़ा जा रहा है। वो बक्सर अंतर्गत ही एवं अन्य बाहर के जिलों से संपर्क करके हम जल्द ही उसमें खंगालेंगे और उसको डायरी का पता ज़्यादातर बक्सर के भी हैं रोहतास के भी हैं और भोजपुर के। अभी जो हथियार मिला है वो देसी कट्टा मिला है और 7.62 वाली जो है वो हमें जो जिंदा कारतूस